हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट नेम देख लिया होगा थंबनेल पर, लेट्स बिगिन दी क्वेश्चंस। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जहां पे वो आपसे पूछ रहा है कि फोटोसेल क्या है। तो फोटोसेल बेसिकली क्या है, एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। एंड ये कंसिस्ट होता है दो इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रोड्स कौन से होंगे, फर्स्ट वन विल बी कैथोड एंड सेकेंड विल बी एनोड। अब आपको जैसे कि पता होगा कैथोड क्या होता है, आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, एंड आपका एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब जो कैथोड होता है हम उसको कैसे लेते हैं, हम उसको एक मेटल लेते हैं, एंड कौन सा मेटल लेंगे इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एंड फोटो सेंसिटिव का मतलब बेसिकली क्या है, हम क्या करें अगर कोई सर्टन फ्रिक्वेंसी अगर उस पर ड्रॉप करेंगे तो क्या हो, वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करें, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एनोड की बात करें, तो एनोड अब वेरी करता है, अब डिपेंड करता है आपको डायरेक्शन इस वे में रखनी है या इस वे में रखनी है उस ट्यूब के अंदर, तो वो उस पर वैरी करेगा कि आपको जो पूरा सर्किट होगा वो कैसे फ्लो करवाना है करंट को, तो उस पर वैरी करता है आपका एनोड कि आपको एनोड कौन सा रखना पड़ेगा। देन जो फोटोसेल होता है वो पे दो टाइप्स के होते हैं, पहला वैक्यूम टाइप और दूसरा होता है गैस फिल्ड, ठीक है। अब गैस फिल्ड जो होगा उसमें क्या होगा, गैसेस हम फिल करके रखते हैं, एंड वैक्यूम में वहां पर वो एम्प्टी होता है, मीन्स वहां पर ना तो एयर ना तो गैस कुछ नहीं होती उसके अंदर। अब जो गैस फिल्ड होगा तो जैसे कि आपको पता हो गैस मतलब वहां पे क्या होगा, कुछ ना कुछ एयर होगा, जब एयर होंगे तो वहां पे कुछ पार्टिकल्स होंगे। अब वो पार्टिकल्स होंगे तो वहां पर क्या होगा, फॉर श्योर जो करंट होगा वो फास्टर फ्लो करेगा, जो करंट होगा वो ज्यादा आने वाला है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो पाएंगे, टकरा टकरा के आगे जल्दी भागे, तो करंट वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होगा एज कम्पेयर टू वैक्यूम। वैक्यूम में जो करंट होगा वो कम प्रोड्यूस होगा एंड गैस फिल्ड में ज्यादा होगा, बिकॉज वहां पे जो पार्टिकल्स है वहां पर बेसिकली क्या है, पार्टिकल्स है जिसकी वजह से ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं कि फोटो सेल जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो आपका जो फोटो सेल है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, जिसको आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है उसको एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, एक सोर्स होता है जहां से हम क्या करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट पे फ्रिक्वेंसी एमिट करवाते हैं एंड उसको स्ट्राइक करवाते हैं, किस पे, उस मेटल सरफेस पर। एंड मेटल सरफेस पे जब हम स्ट्राइक करवाएंगे तो क्या होगा, फॉर श्योर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, वहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, देन यहाँ पे क्या होगा, सर्किट कंप्लीट, देन करंट क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है करंट क्या है। लाइक अगर आपने पढ़ा होगा कब, 11th 12th में, तो आपने पढ़ा होगा कि करंट क्या होता है, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, लॉस की बात कर रहे हैं, किसके, फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे थे ना उसकी हम लॉस की बात करेंगे। हमने पिछले स्लाइड में बात की थी कि कैसे वर्क हो रहा था, अब यहाँ पर ज्यादा कैसे होंगे, लाइक किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा आपका, क्या फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहला लॉ क्या है, बेसिकली जो आपके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे ना, तो डिपेंड करता है किस पे, जो आपकी रेडिएशन थी उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, उसकी इंटेंसिटी पे। अगर इंटेंसिटी हाई करोगे तो ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। नाउ नाउ सेकेंड, अगर आप कभी भी क्या करो, आपके पास एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी है, अगर उस सर्टेन फ्रिक्वेंसी से अगर बिलो जाओगे तो क्या होगा, वहां पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, वो वहां पे फ्रिक्वेंसी क्या कहलाएगी, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जिसके बियॉन्ड अगर आप नीचे जा रहे हो, लाइक उसके बिलो जाओगे यानी उससे कम पे जाओगे, तो वहां पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन जो थे वो एमिट नहीं हो रहे, तो वो आपकी फ्रिक्वेंसी क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, क्योंकि अगर इसके नीचे गए तो नहीं होगा, बट इसके ऊपर जाओगे तो फॉर श्योर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। नाउ थर्ड, थर्ड आपका क्या है, जो एनर्जी होगी ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एमिट हो रहे हैं, वो डिपेंड करेगा फ्रिक्वेंसी के ऊपर, किस पे डिपेंड करेगा, फ्रिक्वेंसी के ऊपर, आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, जो आपकी इंटेंसिटी है उस पे डिपेंड नहीं करेगा कि जो एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी होगी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, फ्रिक्वेंसी पे। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी हाई तो वहां पर एनर्जी भी क्या होगी, उसकी हाई होने वाली है। इंटेंसिटी पे उसका फर्क क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है, फर्क आता है कि अगर इंटेंसिटी हाई होगी तो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे वो हाई एमिट होंगे, उस पर कोई फर्क नहीं होगा,
आपके जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है उस पर कोई फर्क नहीं आता इसका। नाउ फोर्थ, फोर्थ क्या आपका, फोटो इलेक्ट्रिक जो एमिशन है वो क्या है आपका, इंस्टेंटेनियस है। मतलब क्या है इसका कि भाई अगर स्ट्राइक हुआ, मान लीजिए हमारा सरफेस है, स्ट्राइक हुआ तो उसी टाइम एमिट होगा, ऐसा नहीं है कि कोई डिले होगा, उसी टाइम हिट हुआ एमिट हुआ, हिट हुआ एमिट हुआ। जैसे आप रोक दोगे तो एमिशन भी रुक जाएगा, जब तक स्ट्राइक होगा तब तक एमिशन होगा। तो बेसिकली क्या है, इंस्टेंटेनियस है, वो उसी टाइम करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बेसिकली आप पूछ रहे हैं कि कौन सा मटेरियल हम यूज करने वाले हैं, किसके लिए, विजिबल लाइट के लिए। तो विजिबल लाइट के लिए हम यूज करते हैं एल्कलाइन मेटल्स, जो कि आपकी आने वाले स्क्रीन पर ये रहा कि एल्कलाइन मेटल्स हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो वर्क फंक्शन होता है वो काफी लो होता है। अभी हम पढ़ेंगे कि वर्क फंक्शन होता क्या है, ठीक है, वो नेक्स्ट स्लाइड में भी हम देखने वाले हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एल्कलाइन मेटल्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फोटो सेंसिटिव होते हैं। मीन्स अगर उस पर क्या होगा, फ्रिक्वेंसी पड़ी, बेसिकली लाइट, अगर लाइट पड़ी तो क्या करेंगे, वो एमिट कर देंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर बेसिकली पूछे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो क्या है, अभी जैसे हमने कवर किया था। तो भाई एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। बेसिकली वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जहां पर आपका क्या होगा, उसके नीचे अगर गए तो वहां पर एमिशन नहीं होगा। जब तक आप उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक रहोगे या फिर उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी तक रहोगे, तब तक क्या होगा, वहां पर आपका इजेक्शन होता रहेगा। बट जैसे ही आप उस लेवल के नीचे जाओगे तो इजेक्शन बंद हो जाएगा, तो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने बंद हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछे कि स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। तो बेसिकली इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये वो वैल्यू होती है जो कि क्या करे, आपका जो करंट है करंट को जीरो बना दे, जो आपका करंट फ्लो हो रहा था उसको क्या करते, स्टॉप करते बेसिकली। क्योंकि करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा उसका मतलब क्या है, जीरो, ठीक है। तो वो क्या करते, उस करंट को रोकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसी कौन सी हम वैल्यू प्रोवाइड करें, किसमें, एनोड में, सो डेट क्या हो जाए, आपका जो करंट है वो स्टॉप हो जाए। एंड तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल हम अप्लाइड करेंगे किस पर, एनोड के ऊपर। सो डेट क्या हो जाए, आपका जो करंट था वो जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा रहा, अगर यहाँ पर फ्रिक्वेंसी भाई आपकी लाइट एमिट हो रही है तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। देन इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। उस केस में क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो करंट प्रोड्यूस होगा तो फॉर श्योर वहां पर आपके क्या होगा, करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 5 एम्पीयर, 0.5, जितनी भी एम्पीयर होगी, मिली एम्पीयर में होते जनरली। देन यहाँ पर क्या है, इन्होंने बोला कि जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं किस पे, एनोड के ऊपर। तो उस वैल्यू को, या फिर आप बोल सकते हो उस पोटेंशियल को, हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पे पूछ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये मिनिमम एनर्जी होती है, अगर हम बात करें तो ये मिनिमम क्या हो सकता है, एनर्जी होती है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमें क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है इस सरफेस में से। ये अगर मेरे पास सरफेस है, यहां से मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऐसी मिनिमम मैं जो फ्रिक्वेंसी पर क्या करवाऊं, स्ट्राइक करवाऊं, सो डेट ये इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाए विदाउट विदाउट एनी क्या, वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो, जीरो। तो मेरे को यही बताना कि वर्क फंक्शन क्या है, बेसिकली आपकी मिनिमम वैल्यू होती है सो डेट आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके मेटल सरफेस से बाहर भी आ जाए बिना किसी वेलोसिटी के, तो वो क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछ रहे कि थर्मोनिक एमिशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अभी जैसे हमने इतने बार बात की, तो हमने क्या बात करे थे, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो आपका एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी पे ही हम क्या करते हैं, अलो करते हैं, सो डैट क्या हो, वो स्ट्राइक करे एंड एमिट करे इलेक्ट्रॉन्स को। बट थर्मोनिक एमिशन में क्या होता है, वहां पर आपके जो हीट होती है, हम मेटल को हीट करते रहते हैं, एंड जैसे वो सूटेबली हीट अप हो जाता है, तो हीट अप होते ही क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। तो यही आपका डिफरेंस है किसमें, थर्मोनिक एमिशन में एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर। तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो क्या होता है। तो ये जो आपका प्लैंक कांस्टेंट है, ये वन ऑफ दी आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, क्वांटा का साइज डिफाइन करते हैं, बेसिकली लाइट, जो आपकी लाइट है ना,
तो उसकी बात हो रही है, जो आपके लाइट के पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे, वो पैकेट्स क्या होते हैं, फोटॉन्स, तो वहां पर इसका यूज होता है, सो दैट हम क्या कर पाए, डिस्क्राइब कर पाए किनको, क्वांटा को, छोटे छोटे चंक्स को। जस्ट अभी मैंने बताया ना कि जो ये किसके में यूज होता है, लाइट के चंक्स को मेजर करने में वहां पे हेल्प कर रहा होता है साइंस के। तो वैसे ही यहाँ पर आपको याद रखना है जो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो कितनी होती है, 6.622 × 10⁻¹⁴। एंड ये जे एस क्या है, जूल सेकेंड, ये आपका जूल क्या है, सेकेंड। और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं 4136 × 10⁻¹⁵ ईवीएस। तो हम कहाँ यूज कर रहे हैं प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का, हम यूज कर रहे हैं जो अभी हमने बात की थी फोटोन्स की, तो उनको मेजरिंग में हम वहां पे यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है वहां पर, ई इज इक्वल टू एच वी, ये हमारा क्या है बेसिकली फ्रिक्वेंसी, और ये हमारी क्या है एनर्जी, एंड ये हमारा क्या है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।